वेलकम अगेन, और बात हो रही है आप लोगों की हेल्थ की, हेल्दी एक्टिविटी की। और मैंने मैसेज में भी कहा कि हम लोगों की हेल्दी एक्टिविटी जो है वो बहुत महदूद हो गई है घरों में, और वो उसका रीज़न क्या है, हम लोगों के मोबाइल्स। और इसकी वजह से हमारे आईसेट्स खास तौर पे बहुत इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसकी रेज हमारी आँखों में पड़ रही होती है। एक तो एज फैक्टर, वो बहुत काउंटेबल है। पुराने दौर में ये होता था कि बहुत टाइम के बाद आईसेट वीक होती थी, लेकिन अभी अगर मार्जिन देखा जाए, आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो यही कहते हैं कि आप क्या यूज़ करते हैं। देन पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर तो नहीं यूज़ करते क्या, आपके बच्चे ज़्यादा मोबाइल का तो यूज़ नहीं करते, वो क्वेश्चन ऑफकोर्स, क्योंकि हमारा जो अभी जो एनवायरमेंट जो चल रहा है रेगुलर रूटीन में, हम बच्चों को बहुत ईजी समझते हैं। हम लोगों ने दो दो साल के बच्चों को मोबाइल दे दिए, उनको हाथ में थमा दिए, उनको खुद एक डेंजरस चीज़ों में मुब्तला कर दिया। हमें नहीं मालूम कि पता नहीं उस बच्चे का बहुत ज़्यादा, देखें कुछ बच्चे बड़े वीक होते हैं, हम इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें तो खाते नहीं हैं, तो दो साल के बच्चे पता नहीं उसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है या वो इतना उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो क्या फाइट कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों से। तो कुछ बहुत ज़्यादा जिनकी नसें कमज़ोर होती हैं, जिनके बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, तो वो इफ़ेक्ट करती हैं आपके आईसेट्स पे। अगर कोई बीमारी जैसे शुगर के पेशेंट को सबसे जल्दी हिट करता है आपके आईसेट, तो इस तरह बच्चों पर भी होता है इफेक्ट। तो लेट्स सी, आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और मेरे पूरे रमज़ान में मैंने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि अली इब्राहिम एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ जाते हैं और बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं अपना मॉर्निंग शो दोबारा ऑफकोर्स रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे, तो हम इनको ज़रूर मौका देंगे वो आपकी अपनी बात जो है वो उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं रखते। तो लेट्स सी, सबसे पहले उनके मैं ऑफकोर्स मेन पर्सन जो पूरे डिपार्टमेंट को, अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल को देख रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट से हैं, वो हैं सलीम बुर्दी साहब, और हेड ऑफ एचआर हैं अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? और आपका बहुत पहले तो शुक्रिया पूरे रमज़ान में डेली डॉक्टर्स को रिकमेंड करना और उनको जो है प्रिफेयर करना और एक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, बहुत सबसे पहले शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का वीनस चैनल का जो एक रिश्ता रहा इस रमज़ान के दौरान, मेरे ख्याल में वो बहुत ही मजबूत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी रिश्ते के बदौलत आज हम साथ बैठे हुए हैं एक दफ़ा फिर, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी मैनेजमेंट का और वीनस चैनल का। बताना मैं ये चाहूँगा कि अली इब्राहिम का इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया रमज़ान के महीने के अंदर, लेकिन अब यह है कि रमज़ान के बाद की कितनी केयर करनी है हमें, इन्हीं आँखों को किस तरह संभाल के चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आँखों की बात करते हैं हम, तो वो हम ख़ास तौर पे जब अली इब्राहिम वाले आते हैं आपके पास, वो दूसरों की आँखों की बात करते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, और दूसरों के ख्याल रखने में हमने अपने हॉस्पिटल को इतना बड़ा कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी हॉस्पिटल हैं जिसमें हमारे ट्रेंड डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जी, हमारे ट्रेंड ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेंड ऑप्टोमेटिस्ट काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। क्योंकि अगर कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारा ही ट्रेंड स्टाफ काम कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे इदारे हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम रोज़ में हम फैसिलिटीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं अली इब्राहिम की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। वो हॉस्पिटल जिसमें कहीं 10 पेशेंट हुआ करते थे, उसी हॉस्पिटल में पर डे अभी अप्रॉक्सीमेटली मोर एंड लेस 800 की ओपीडी है पर डे, और अराउंड 100 सर्जरीज हम पर डे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये और भी बढ़ सकती हैं, और ये ओपीडीज और भी बढ़ सकती हैं, बशर्ते के सब लोगों का हमारे साथ तावन रहे। बेशक, बेशक। और वो तावन सिर्फ ये नहीं है कि तावन हम पैसे को ही बोलें, देखें आप हमें सिर्फ पैसे ना दें नो प्रॉब्लम, लेकिन आप हमें इक्विपमेंट में सपोर्ट करें, आप हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने में सपोर्ट करें, आप हमें मेडिसिन में सपोर्ट करें, फिर मैं बात करूंगा कि आप स्पेसिफिकली स्पेसिफिक सर्जरीज में सपोर्ट करें, जो हमारी यूनिट कॉस्ट है पर सर्जरी की वो कई हॉस्पिटलों से कम है। अगर हम उस कॉस्ट को देखें और हॉस्पिटल्स जो मजीद काम कर रही हैं, क्योंकि हम जिस क्लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं वो वही है जो एक अच्छे से अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहा है, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगा, बिल्कुल ठीक। जब हम उस क्लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं और उस कम्युनिटी को दे रहे हैं जो डिजर्विंग कम्युनिटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और सिर्फ हमारे पास डिजर्विंग कम्युनिटी नहीं आती, अब तो हमारे पास रेफरल केसेस
उन हॉस्पिटल से आना शुरू हुए जहाँ से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे. अल्लाह, उसकी वजह यह है कि ये हमारी सब स्पेशलिटी में चला गया. बिल्कुल, तो दिस इज व्हाट अबाउट इब्राहिम इज. बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज आपने कही कि जरूरी नहीं है कि आप हमें पेमेंट की सूरत में कुछ दें. अगर हमें कुछ, जैसे अभी आपके कुछ डिपार्टमेंट्स मजीद रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स रेंज बढ़ गई पेशेंट्स की, तो जरूरत है, रूम्स बन रहे हैं. अब उसमें देखा जाए तो मटेरियल की भी जरूरत होती है. अगर किसी कोई पर्सन ये समझता है कि उसके पास अगर सीमेंट, मैं तो ऐसे ही बिल्कुल नेचुरली बात करती हूँ कि अगर हमें सीमेंट की जी हमें 100 बोरियां चाहिए, या हमें इतनी ईंटें चाहिए, हमें इतना कलर्स करवाने, हमें इतनी इलेक्ट्रिशियंस प्रोवाइड कर दे, जनरेटर प्रोवाइड कर दे, बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे पास जो एक्सटेंशन हो रहा है वो ओटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है. जी जी, क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी. हमारे पास पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जैसे है वो बहुत छोटा पड़ रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 120 से 150 बच्चे हम देख रहे हैं. और अभी कुछ लोग हैं जो वापस जा, उनका करना हमारी मजबूरी हो गई है. उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्पेस इतनी नहीं है, कैपेसिटी इतनी नहीं है. बिल्कुल, तो बिल्कुल. उसको बढ़ाने के लिए, हमारे ओटी को बढ़ाने के लिए अभी हम ओटी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. और आप हमें आके वहाँ लाइव देख सकते हैं. और वहाँ पर आप अगर चाहेंगे तो हम आपको जो रूम आप बनवाना चाहेंगे वो डेडिकेट भी आपके नाम पे कर देंगे हम. माशाल्लाह. तो ओटी का फ्लोर आप बनाएंगे वो भी हम आपको डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं. सो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन. पता क्या होता है, ये आपने जो प्लस पॉइंट बात की है, कुछ लोगों के, अल्लाह सबके वालदैन को सलामत रखे, लेकिन कुछ लोग अपने माँ के नाम से अक्सर मैंने देखा कब्रिस्तान में पानी लगवा देते हैं, और कुछ लोग मस्जिद में पंखे लगवा देते हैं. ऐसा ये मैं नेचुरली बात कर रही हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है. उन्होंने एक और चीज़ आपको ऑप्शन दे दिया कि यू हैव ज्वाइंट विद अस एंड एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके, अल्लाह ना करे, आपके वालिद या वालदा ये सदक़े जा रही हैं, तो देन आप उनके नाम से वो प्रेजेंट कर सकते हैं. जी, डेडिकेट करेंगे 100%. कितनी अच्छी बात है, डेडिकेट कर सकते हैं, और ये गुड ऑप्शन है. मैं तो कहूँगी अल्लाह पाक जिसको अगर ये अल्लाह ने तौफीक दी तो वो बिस्मिल्लाह करे और माँ बाप की खैर के रास्ते बनाए. अच्छा जी, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सोहेल बुखारी साहब, और इनका भी ताल्लुक अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल से, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले मैं आपका बहुत मशहूर हूँ जो मुझे मौका मिला यहाँ बात करने का. आई एम बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल. इस वक्त हम काम कर रहे हैं, और तकरीबन हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर 60-70-100 तक पेशेंट्स चेक भी करता daily, है daily डेली की बेसिस पे चेक भी करता है, और सर्जरीज भी करते हैं हम लोग. आई नो क्योंकि मैं तो पूरे विजिट कर चुकी हूँ. नहीं, मैं रमजान में भी, लेकिन बिफोर उससे पहले मैंने जो है वो विजिट किया. और मैं आपको क्लियरली बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट है. लेकिन जो लोग अफोर्डेबल हैं वो ये समझते हैं कि हम सदका ज़कात पे नहीं मुनसर होते या हम नहीं करते, तो ऑफकोर्स वो लोग भी वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाएं, और वही पेमेंट बहुत रिजनेबल जो आप कहीं पर 20,000 में या 10,000 में कर सकते हैं, तो वो पेमेंट आप वहाँ पर दें. ऑपरेशन भी होगा और किसी उस पेमेंट से किसी की मदद भी हो जाएगी. अपने जहन में सोचने की जो है ना वो पैदा करें, जस्तजू और नेकी की जस्तजू, तो दोनों काम एक साथ होंगे, उसकी खुशी डबल होगी. क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा? बिल्कुल सभी. और सबसे बड़ी बात, जो इस वक्त महंगाई का आलम चल रहा है, आप उसमें देखेंगे जो मिडिल क्लास है, खासतौर पर सफेद पोश कहें, सफेद पोश कहें, मिडिल क्लास कहें, अब देखें उनको कितने चैलेंजेस आ रहे हैं. बहुत, ठीक है. अब जो बंदा अगर महीने में 1,00,000 रुपया भी कमा रहा है और उसकी मदर की सर्जरी होनी है बाहर 1.5 लाख रुपए की, तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी 2 महीने वो कैसे गुजारेगा? तो वही जो 1.5 से 2 लाख या 3 लाख तक भी सर्जरी होती है वो हमारे पास 65,000 में हो जाती है. ऐसी सर्जरी जो बाहर 50,000 की होती है, हमारे पास 10 से 20,000 के अंदर हो जाती है. तो ये अल्टीमेट सपोर्ट हो जाती है उस क्लास को जो वाकई डिजर्विंग है. बिल्कुल, मेरा ख्याल में अब लोअर क्लास या की बात करें अगर, उससे ज्यादा डिजर्विंग वो है जो सफेद पोश है, क्योंकि वो किसी से मांग भी नहीं सकता. बिल्कुल ठीक है. तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए. बिल्कुल. और मैं कहूंगी कि अगर इनका अली इब्राहिम का जो है ना स्पेशल जो है, मेरे को 5 से 7 मिनट का पैकेज शहजाद भाई अदनान भाई से कहें रेडी रखें, मैं गुफ्तगू करूंगी, उसके बाद ब्रेक में उनका स्पेशल पैकेज भी हम प्ले करेंगे. अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अल्लाह ना करे, जाहिर सी बात है आंखों का प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो कुछ लोग इधर से उधर से रेंडमली होता है कि रिकमेंडेशन विदाउट एनी डॉक्टर के ड्रॉप्स आंखों में यार के गुलाब डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा गाइड कीजिए. देखिए, जैसे आंख का जो मसला है वो बहुत पेचीदा है, बहुत सेंसिटिव है,
बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हम सर में दर्द हो गया और मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, किसी फार्मासिस्ट से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आँख के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। कोई स्पेशलिस्ट जब तक आँख को आँख का मुआयना नहीं करता तब तक वो डायग्नोस तक पहुंचता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अरके गुलाब या कुछ इस तरह के होम रेमेडीज़ जो आती हैं आँख के लिए, उसमें स्पेसिफिक स्टीरॉयड्स होते हैं ज़्यादातर जो हम लेबॉरटरीज में चेक कराते हैं। स्टीरॉयड्स जो है वो आँख में इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं। अच्छा। तो जिससे सूदिंग इफेक्ट आता है कि भाई आँख की रोशनी बढ़ गई और मज़ा आ रहा है, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है ना बहुत नुकसानदेह। इन स्टीरॉयड्स की वजह से कैटरेक्ट होता है यंग पेशेंट्स को, यंग बच्चों को भी कैटरेक्ट हो जाता है, मोतिया हो जाता है, इनकी वजह से काले पानी का मसला हो जाता है आँख में। इनकी वजह से अगर कुछ और पेचीदगियाँ हैं आँखों में वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। यानी कि इसका नहीं, जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर छोटे से छोटा भी अगर इश्यू है आँख के हिसाब से तो वो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएं, क्योंकि आँख ऐसी चीज़ है जिसको हम पूरे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वो इतनी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ी करके हमें माइक्रोस्कोप दिखाता है। विदाउट डायग्नोसिस के ये मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, इनके वर्स हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मैं नाज़रीन एक बार फिर बताती चलूं कि अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल जो है वो मेमन गोट के जो है वो बहुत नियरेस्ट है। जी हाँ, और मलीरपंडरा से 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिफोर मेमन गोट ये पड़ता है। और बहुत कम लोग हैं जिसको मैं कहूँ डोनर्स वहाँ आना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको डिस्टेंस की वजह से, और वो अगर मैं तो चाहूँगा कि कराची के जितने लोग हैं अगर उस तरफ आएंगे तो उनको गांव का पूरा पूरा मजा वहाँ आएगा। तो फिर बुला रहे हैं मुझे, तो हम चाह रहे हैं आप तो होकर आ गई हैं हमसे। एक बार फिर आऊंगी ना, मैं तो अपने गांव का तो नहीं मुझे दिखाया था। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी आप इब्राहिम की हिस्सा बन चुकी हैं। अरे अल्लाह, तो आप चाहे ना चाहे आप तो हिस्सा हैं। मैंने अली इब्राहिम की अंदर की प्रेमिस, वैसे एक बात बताऊं, वाकई में करीब से जब आप ऑन द वे गुजरते हैं आपको वहाँ पे दूध के बाड़े और बस सिंपल जैसे देहाती जिंदगी ना, बहुत खूबसूरत सी नेचुरली, मैं ये तो कहूंगी आबो हवा इतनी फ्रेश, वहाँ पे पानी, लोग सादा सादा ही साफ किताब। अच्छी बात दूसरी है कि इतना अंदर होने के बावजूद, शहर के अंदर इतनी सर्विसेज होने के बावजूद भी पूरे सिंध से जी, लोअर बलूचिस्तान से जी, और जो है आपका जो है तकरीबन लोअर पंजाब, वहाँ से पेशेंट यहाँ रेफर होकर आते हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। ठीक है, हम यहाँ पर कॉर्निया की अगर सर्जरी की बात करें फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू एड इट क्योंकि ये एक एडिशन बहुत जरूरी है, जो बाहर तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कॉस्ट करती है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, WMO का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, वो हमें इसमें सपोर्ट करते हैं। हम 100% फ्री ट्रांसप्लांट करते हैं कॉर्निया, 100% फ्री, नो सिंगल पेनी विल बी चार्ज टू द पेशेंट। उसके बाद तीन से चार फॉलो अप तक की मेडिसिन भी फ्री में दे रहे होते हैं। बड़ी बात। तो आप ये सोचें कि ये सहूलियत कैसे पॉसिबल। लेकिन सर अगर आप ये कहते हैं कि अगर फ्री में देते हैं, लेकिन फिर वो लोग जो अफोर्डेबल हैं, जो समझते हैं अल्लाह पाक ने उनको बेनतहा दौलत दी है, तो वो इस जगह पर अगर डोनेट कर दें तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी नेकी तो कुछ हो ही नहीं सकती। जिस पर्सन के इन पैसों से किसी और का ऑपरेशन होगा उसको जब जब नजर आएगा, वो चाहे आपका नाम ले ना ले, यकीन करें मेरे अल्लाह का वादा है उसका सवाब आपको मिलता ही रहेगा। ये तो अकाउंट है जी, आप डिपॉजिट करते जाएं और आखिर में लेते जाएं, ये तो अकाउंट है। ये हकीकत है, इसमें कोई आप बेशक नाम भी ना दें, कुछ भी ना दें, लेकिन मेरे रब ने लिख दिया है कि तुझे एंड तक दुनिया से चला भी जाएगा तब भी उसके आपको जो है सदका जारिया मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, शुगर पेशेंट वाले होते हैं ऑफ कोर्स, वो भी आपके हॉस्पिटल में आते हैं। हाँ। और जिनको मोतिया होता है, काला पानी और पता नहीं कौन कौन सी डिजीज होती है, सब तरह के आप लोगों पेशेंट को ट्रीट करते हैं? जी, हर तरह का जो पेशेंट होता है आँख के हिसाब से हम सबको ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ तो डायबिटिक का एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, पूरा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ जो पेशेंट्स डायबिटिक के होते हैं वही सिर्फ चेक होता है उनका। वहाँ पे उनका एक स्पेशलिस्ट जो डायबिटीज़ में, रेटना में स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर वहाँ पे उनकी आंखें चेक करते हैं। वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो उनकी नज़र चेक करते हैं। वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको समझाते हैं कि ये चीज़ खानी, ये चीज़ नहीं खानी डायबिटीज़ के हिसाब से। और पूरा वहाँ पे एक अलग सेंटर बना हुआ है हमारा डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ की वजह से जो बीमारियाँ आँख में होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लैशेज से लेके रेटना तक, ऑप्टिक नर्व तक,
सारी जितनी भी इन्वॉल्व आंखों में स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे डायबिटीज की वजह से इन्वॉल्व होते हैं, सब में मसला आता है, पेचीदगियाँ आती हैं, तो उन सबको आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी चेक करना और सबका इलाज करना वो हमारे डायबिटिक डिपार्टमेंट का जो है वो जिम्मेदारी है। तो हम वहाँ पे जो सबसे कॉमन जो हमारे पास डायबिटीज पेशेंट में जो मसला आता है वो कैटरेक का होता है, और दूसरे नंबर पे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जिसमें पर्दे में पेचीदगियाँ आ जाती हैं शुगर की वजह से, उनका इलाज होता है, वहाँ पे लेज़र सम करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर बीमारी बढ़ जाती है शुगर में पर्दों के पर्दे में तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो हम पर्दे की जो सर्जरीज भी हैं वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में करते हैं। बेशक। अच्छा मैं एक और भी बताती चलूं कि डेली बेस पे इनके सैटरडे संडे के अलावा डेली बेस पे ऑपरेशंस होते हैं, और डॉक्टर फतेह मेमन माशाल्लाह पूरा जो लीड कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, मैं इनको देखती हूँ कि वो सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सब डॉक्टर्स को लेके चल रहे हैं और डेली ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, और वहाँ पर छोटे बच्चों को जिनकी जो भेंगापन आ जाता है उसका भी मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चों से मैं मिली हूँ, उनके भी जो भेंगापन है उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, और वहाँ पर चाहे वीएपी चला जाए, छोटा चला जाए और मुतवस्सत तबके का चला जाए, सबको इक्वलनेस ट्रीटमेंट दी जाती है, कोई भी वन पैनी उसकी खर्च नहीं होती, अगर वो अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं हो सिर्फ फ्री ट्रीटमेंट की जाती है, चाहे वो लाखों रुपए की ट्रीटमेंट हो, पेशेंट को कभी भी जो है ना उनको डिसार्ड करके बाहर नहीं निकाला जाता, सबको वार्म वेलकम किया जाता है। इस जगह पर वो शेर जो है वो लगता है बहुत हिट करता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो सबको अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। सलीम साहब क्या कहते हैं आप? मैं ये बताना चाहूँगा डायबिटिक वाली बात को आगे लेते हुए कि जो हमारा डायबिटिक डिपार्टमेंट है वो वन विंडो ऑपरेशन हम कहते हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि सिंध के अंदर कम से कम कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें इस तरह का वन विंडो ऑपरेशन फॉर दी डायबिटिक पेशेंट अवेलेबल हो, नंबर वन। और नंबर टू, अल इब्राहिम की सब स्पेशलिटीज़ की अच्छी बात यह है कि हम पेशेंट को इतना ज़्यादा सफ़र इसलिए नहीं करवाते, जो जनरल ओपीडी से पेशेंट एक दफ़ा सिलेक्ट हो गया सब स्पेशलिटी के लिए तो वो सब स्पेशलिटी में जाके रजिस्टर होता है, फिर उसको दूसरी रिसेप्शन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, हर सब स्पेशलिटी की एक रिसेप्शन बनी हुई है, वो अपना फाइल निकलवाएगा उस सब स्पेशलिटी में दिखाएगा और वापस चला जाएगा। इस तरह की सहूलियात की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसी हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगी जिनको इस तरह ट्रीट किया जाता है पेशेंट को, जिसमें क्योंकि बाकी जगहें जहां मैं गया हूं वहां पर एक ही जगह होती है जहां से आप फाइल उठाते हैं और बाकी जगहों पे आपको घूमना पड़ता है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हम ट्रेनिंग भी देते हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं FCPS पार्ट वन की या पार्ट टू की, या हम सब स्पेशलिटी में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो इसलिए हम रिकॉग्नाइज्ड हैं विद ऑल द इंस्टीट्यूट्स, CPSP के साथ हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम इस तरह यूनिवर्सिटी के साथ रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम जो है सिंध मेडिकल फैकल्टी के साथ रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये जो रिकॉग्निशन है ये प्रूव करती है कि हमारा इदारा किस लेवल का इदारा है। बिल्कुल। दूसरा, डायबिटीज़ पे जितना आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत सारे पैसे लगते हैं, डायबिटीज़ का डिपार्टमेंट हमारा 100% OPD से लेके ईच एंड एवरीथिंग फ्री है जी। बाकी जितनी चीज़ें हैं उसमें सब्सिडाइज कॉस्ट हम लेते हैं, उसकी वजह ये है कि थोड़े बहुत रनिंग एक्सपेंसेस हमें निकालने होते हैं। ठीक है। तो जो आपने बात की थी कि जो भी आएगा 100% फ्री, जी 100% फ्री इन अ सेंस कि अगर वो नीडी है, अदरवाइज ही और शी हैज टू पे। हमारे दरमियान कॉलर है, बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसी हैं आप? अच्छा, जितने दिनों बाद आइया, कैसे हो आप? ठीक हो भाई? मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, कॉल्स आपकी मिल नहीं रही थी, थोड़ा सा लाइन आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया है, क्योंकि ये तो जाहिर बात है कराची तो मशहूर है रिफाई कामों के लिए, और इन्होंने जो हॉस्पिटल का इतना बताया, इब्राहिम हॉस्पिटल का, और सलीम साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो काम कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि सभी हमारे यहाँ कुछ तशहीर कम होती है, कुछ बड़े इदारों पे लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं और बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये जरूर करना चाहिए कि इनकी भी आपको मदद करनी चाहिए और उनको भी फाइंड आउट करके इनको भी डोनेट जरूर करना चाहिए। तो क्योंकि आंखों का मसला ऐसा होता है कि जाहिर बात है ये तो बड़ा टिपिकल मामला होता है, इस पे जो लोग काम कर रहे होते हैं जाहिर है उनके पीछे एक मेहनत होती है, फिर उनको फंड्स चाहिए होते हैं, फंड्स हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग फंड्स जो एक पर्टिकुलर लोगों को देते हैं, लेकिन मेरी नजर में इतना बड़ा शहर है तो आपको तलाश करनी चाहिए, जैसे इनका हॉस्पिटल है इनको फंडिंग करनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर सोशली अगर आप अपने माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करना चाहिए।
क्योंकि ये ऐसे काम है जो बजाय इसके कि हम अपने कितने पैसे तो हम वैसे ही जाया करते हैं, बड़े महंगे महंगे पिज्जे खाते हैं, आप तो इतने रेस्टोरेंट में मतलब आप एवरेजली 7-8 हज़ार रुपए का बिल आराम से बन जाता है, तो अगर हम एक दफा भी अपना खाना स्किप कर देते हैं ना तो अच्छा खासी अमाउंट उनको दे सकते हैं। तो इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं दिया, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले और ये यही फलाही है इंसानियत है और इसी यही एक खिदमत है इंसानियत की, बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें और लोगों को पॉलिटिसाइज करें, इस सारे सियासी नजरिए से हटके और उन चीजों से हटके हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और अगर मेरे जो मैं अरबाब सर्कल जो है मेरा उसमें अगर कोई कोशिश करूंगा कि अगर इनके लिए कुछ कर सके तो मैं जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया, इतना ही कहना बहुत होता है और ये मोहब्बतें और ये दुआओं की सख्त हमें ज़रूरत है और अल्लाह पाक खुद ही वाकई में रास्ता बनाते हैं। बहुत शुक्रिया यहाँ आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं जो मुखय्यर हज़रात भी होते हैं, ऑफ कोर्स कुछ लोग जो हैं आके आपके इधर विजिट भी करते होंगे या कुछ हेल्पिंग हैंड को क्या क्या प्रोसीजर होता होगा आने का? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें आप जो है जितने हमने अकाउंट नंबर दिए हैं डायरेक्टली उसमें भी डिपॉजिट करवा रहे होते हैं लोग, काफ़ी अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान वैसे भी अगर डोनेशन और इस तरह की सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के वो वहाँ पर डोनेशंस बहुत दी जाती हैं। बाकी की जो बात थी कि आजकल स्पेसिफाई किया गया है कि जी ये मेरी कम्युनिटी की हॉस्पिटल है इसलिए मैं इस अपनी कम्युनिटी को दूंगा, मेरा ख्याल है कि जब हम अल्लाह के नाम पे देते हैं तो फिर कम्युनिटी यानी रेस का कोई भी हिसाब नहीं होना चाहिए, फिर बंदे का होना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज़ टू सपोर्ट एवरी वन, नंबर वन। नंबर टू, अगर एक खाना 8,000 का कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है एक फैमिली का, एक दफ़ा रेस्टोरेंट ना जाए महीने में जो जाना आजकल मजबूरी हो गई है अक्सर लोगों की, अगर वो ना जाए तो 8,000 रुपए में एक बंदे को आप जिंदगी दे सकते हो अगर उसकी विजन देख हो जाती है। एक मोतिया, ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं होती और ऐसे लोग भी आते हैं जो सर्जरी करवाने के बाद वापस भीख मांग के फिर वापस अपने गाँव जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटी जो है वो तो हमारे एक रग रग के अंदर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव इन इट कि वी हैव टू डाई एंड वन डे वी हैव टू गो बैक वेयर वी कम फ्रॉम। जब जाना ही अल्लाह के पास है एटलीस्ट हमें कोई तो ऐसा काम करके जाना चाहिए कि वहां जाके वो कैश हमें मिले जो हम अकाउंट में डिपॉजिट करवाते जाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि जी हमें सारी जिंदगी यहाँ रहना है तो फिर ठीक है, फिर हम किसी की मदद ना करें, फिर अपनी मदद करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक कड़वा सच है जो हम सबको। अच्छा, ये जो आपकी बात मैं ऐड करूंगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा करके जाएं जो आगे भी हमारे एक जिंदगी लंबी जिंदगी तो एंड में है, और हमेशा हमने देखा है कुछ पेरेंट्स ऑफ कोर्स कहते हैं कि मैं इतना कर दूं कि मेरे बच्चे किसी के मोहताज ना हो। ये हमेशा कॉन्सेप्ट ये चल रहा होता है कि मैं कुछ करके चला जाऊं उनके लिए, मैंने इतना कर दिया है अभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। आपने उनके लिए तो कुछ करके चले गए, लेकिन एक बात हमें इस बात पे ईमान है, यकीन है, कहते हैं कि जब कयामत आएगी कि हम अपने किसी को भी पहचानेंगे नहीं, माँ बाप को नहीं पहचानेगा, यानी हर बंदा अपने जिम्मेदार खुद है, तो उसकी तैयारी आप कम से कम इस तरह कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम कर जाएं कि उसकी जो है जजाय खैर उसका सदका जारी के बदले में आपके बहुत सारी आसानियां हो जाएं। लेट्स सी, अली इब्राहिम का एक स्पेशल पैकेज है। जी शहजाद भाई रेडी है, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और देखें आप अली इब्राहिम का स्पेशल पैकेज।